क्वेश्चन देखते हैं कि 1.7 ग्राम अमोनिया अमोनिया का अणुभार 17 होता है, में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है अमोनिया, तो अमोनिया का भार कितना है दिया गया है 1.7 ग्राम, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे अणुभार, जबकि दिया भी है अणुभार, अणुभार दिया भी है, ठीक, अणुभार दिया है कितना 17, और निकालेंगे तो भी 17 ही आएगा। जैसे यन का कितना होता है 7N14, और हाइड्रोजन का 1H1, इसलिए 14 एक बार में, और प्लस हाइड्रोजन 3 × 3, तो 14 × 3 कितना आएगा 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दिया है, आपसे पूछा है मोलों और अणुओं की संख्या बताइए, तो किसी के मोलों की संख्या निकालनी होती है। जब मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे अमोनिया में मोलों की संख्या निकालनी है तो भार बटे अणु भार, ये फार्मूला लगाएंगे। तो भार कितना है, भार है 1.7 ग्राम, अणु भार कितना है 17, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 17 17 कट जाएगा, 0 काटेंगे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.1 निकल आई मोलों की संख्या। और आपसे पूछा क्या है मोलों और अणुओं की संख्या, तो इतने तो मोल आ गए। अब अणुओं की संख्या, तो 1 मोल में अणु कितने होते हैं, 1 मोल में अणु पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं 6.023 10^2 जो है अणु होते हैं। अब इसमें क्या है मोल, 0.1 मोल में निकालना है, तो गुणा करेंगे मोल में अणु, तो गुणा करेंगे 6.023 × 10^3 × 0.1। 0.1 का मतलब कितना था, 1/10 ही तो होगा, तो 1 0 से इसमें का 1 0 कट जाएगा, 6.023 × 10^22 अणु होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।